क्लास 12 केमिस्ट्री का आज फर्स्ट पेपर का अंतिम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु, आयन या अन्य आयनों या उदासीन अणु के साथ उपसंयोजन बंधों के द्वारा बंधित होते हैं, उन्हें उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में चाहें तो लिख सकते हैं FeCN6, ये भी लिख सकते हैं। यह भी एक तरीके के क्या है, तो यह भी एक तरीके का केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं, और यह भी एक प्रकार का उपसंयोजन यौगिक है। तो इस तरीके से कोई पूछेगा तो इसको हम लोग बता सकते हैं। देखिए, यहीं से एक छोटा सा आता है द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि द्विक लवण वे यौगिक होते हैं जिसको जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन जो आपके उपसंयोजन यौगिक होते हैं उसको जल में घुलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो ये भी दो तरीके के आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उपसंयोजन यौगिक और द्विक लवण में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आता है प्रश्न में कि वर्नर ने 1898 में उपसंयोजन यौगिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी पूछा जाता है कि वर्नर के उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत बताइए। तो देखिए, ये चार सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा। पहला है कि उपसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। तो उसने कहा था पहला कि उपसंयोजक यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। दूसरा आपका था कि प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा कह सकते हैं कि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय होती है, यह उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए समानता निश्चित होता है। चौथा उसने कहा था कि धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप डी का स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो ये चार सिद्धांत होते हैं। देखिए, उसके बाद से इस चारों सिद्धांत के बाद एक चीज़ और होता है जिसका नाम है समन्वय बहुलक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार के डी का स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुलक कहते हैं। जैसा आपके सामने मैं लिख दूँ FeK4 FeCN6, तो इसको जिंग प्रदर्शित करेंगे आप, जैसे Fe है इसके साथ 6 जुड़ा है, तो यहाँ पर एक CN, यानी 6 तरीके के ऐसे CN हम लोग जब जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं समन्वय बहुलक। उसके बाद से देखिए, एक और आपसे पूछा जाता है प्रति आयन। तो गुरु कोष्टक में लिखे स्पीसीज संकुल कहलाते हैं, यानी ये जो देख रहे हैं ना, बड़ा कोष्टक, गुरु कोष्टक इसी को कहते हैं। जितना इसमें चीज लिखा गया है उसको हम लोग संकुल कहते हैं तथा गुरु कोष्टक से बाहर लिखे आयन प्रति आयन कहलाते हैं, और ये जो बड़ा कोष्टक है बाहर K4 जो लिखा गया है इसी को हम लोग कहते हैं प्रति आयन। तो कोई आपसे पूछे प्रति आयन किससे कहते हैं, तो बड़ा कोष्टक के बाहर जो लिखा जाता है उसको प्रति आयन कहते हैं, और जो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग संकुल कहते हैं। चलिए, तो ये बता सकते हैं। उसके बाद से कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनाया गया है और प्रश्न में कह रहा है कि जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं के द्वितीयक संयोजकता बतलाइए। ये दिया गया है PdCl2। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सूत्र, यहाँ पर लिखा गया अधिक में AgNO3 मिलाने पर एक मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या।
PDCl2 4NH3 कितने, तो 2 मोल AgCl के निकल रहा है, यानी AgCl 2 मोल निकल जा रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं NiCl 6H2O 2 मोल। तीसरा है PtCl4 2HCl 0 मोल, CoCl2 NH4 1 मोल। ये सब आपका दिया गया है। तो इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय संयोजकता इसका कितना होगा, तो 4 लिख सकते हैं। 4 क्यों, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 Cl निकल गया, तो जो बचेगा वही द्वितीय संयोजकता। ये तो मान लीजिए धातु है और इसके साथ जो ये जुड़े हैं यही संयोजकता है, लेकिन 2 निकल जा रहे हैं तो 4 अमोनिया बचेगा, 4 हो जाएगा। NiCl2 6H2O, तो यहाँ भी 2 निकल जा रहा है, 6H2O बच रहा है, तो संयोजकता द्वितीय संयोजकता में 6। PtCl4 2HCl यहाँ 0 है, तो इसका मतलब 2 4 Cl यहाँ पर है और 2 यहाँ पर Cl होगा, तो 6 हो जाएगा इसका। CoCl2 NH4 Cl2 का 1 निकलता है, तो 5 हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, 3 है ना, इसीलिए। और यहाँ पर द्वितीय संयोजकता इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ बातें इसमें पूछा जाता है, तो दिखा रहा है इसमें क्या क्या, अगर कोई पूछता है तो क्या क्या आप बता सकते हैं। एक इसमें चीज़ दिया गया है जिसका नाम है कि द्वितीयक लवण, द्विक लवण तथा संकुल आयन में अंतर। देखिए कह सकते हैं द्विक लवण तथा संकुल दोनों ही दो या इससे अधिक अस्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात में संगठित होने से बनते हैं, तथापि ये भिन्न है, क्योंकि द्विक लवण जैसे कार्नेलाइट, जैसे KCl हो गया, MgCl2 हो गया, H2O, कार्नेलाइट के पूरा सूत्र है। मोहर लवण इसको FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, पोटास, फिटकरी K4, ये अर्थात जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, परंतु K4 FeCN6 में उपस्थित FeCN6 के ऊपर -4 संकुल आयन Fe2 तथा CN आयनों में वियोजित नहीं होते। यानी कुल मिला जलाकर द्विक लवण अपने आयनों में टूट सकते हैं, लेकिन संकुल यौगिक अपने आयनों में नहीं टूट सकते हैं। और ये जितने एग्जाम्पल हैं ना, सब द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं, और ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये संकर यौगिक का। चलिए आगे आप देखेंगे तो एक प्रश्न और आपसे आगे पूछा जाता है कि कहा जा रहा है इसमें कि उप सहसंयोजक सत्ता या समन्वय मंडल। तो उप सहसंयोजक सत्ता या समन्वय सत्ता कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर के एक उप सहसंयोजक सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरण CoCl2NH4 का थ्राइस एक उप सहसंयोजक सत्ता है, जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणु तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। अन्य उदाहरण है NiCO4 एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जिसे लिखा गया है NiCO4। तो Ni आपका केंद्रीय परमाणु है, देख रहे हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी, ये पूरा इसी को जितने अंदर है ना, इसको उप सहसंयोजन सत्ता कहते हैं, इसको भी उप सहसंयोजक सत्ता कहेंगे जितना अंदर है, यह भी उप सहसंयोजन सत्ता है, यह भी उप सहसंयोजन सत्ता है, यानी जो भी बड़े कोष्ठक के अंदर रहेगा उसको उप सहसंयोजक सत्ता कहते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपके पास है, कहा जा रहा है केंद्रीय परमाणु या आयन, तो किसी उप सहसंयोजक सत्ता में परमाणु आयन, परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्याओं में अन्य आयनों समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर NiCl2 H2O का 4 है, तो केंद्रीय परमाणु है, तो जैसे यहाँ पर निकिल है तो ये केंद्रीय परमाणु है, ये कोबाल्ट है ये भी केंद्रीय परमाणु है, ये Fe है तो ये भी केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं, यानी जो बड़े कोष्ठक के अंदर धातु होता है उसी को हम लोग केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो निकिल भी धातु है तो ये भी केंद्रीय परमाणु, कोबाल्ट भी धातु है तो ये भी केंद्रीय परमाणु, और आयरन भी धातु है तो ये भी केंद्रीय परमाणु। तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जाता है केंद्रीय परमाणु, तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से कुछ और भी बातें आती है, तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे
पूछा जाता है कि केंद्रीय परमाणु और वर्नर के सिद्धांत से हम लोग देख लिए। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है लिगेंड। तो कोई पूछता है कि लिगेंड क्या होता है, तो हम लोग इसको भी आप देखते हैं कि लिगेंड के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। देखिए कि उप संयोजक सतह में केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। ये सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे सीएल माइनस, छोटे अणु हो सकता है जैसे H2O या अमोनिया, बड़े अणु हो सकते हैं और H2NCH2CH2NH2 या NCH2CH2NH2 अथवा बृहद अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। तो देखिए केंद्रीय परमाणु से जितने भी, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर K4 लिख दिया गया, यहाँ पर Fe लिख दिया गया और यहाँ पर CN6 लिख दिया गया, कौन इसमें लिगेंड होगा? तो जो CN6 देख रहे हैं ये आपका लिगेंड होगा, ठीक है, ये आपका केंद्रीय परमाणु होगा Fe जो देख रहे हैं, और ये क्या होगा? ये प्रतिआयन होगा। अब देखिए, अब यहाँ से कोई पूछता है कि एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं देखिए जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl पर माइनस एक लिगेंड है, H2O आपका एक दंतुर लिगेंड है, NH3 ये भी एक दंतुर लिगेंड है। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है द्विदंतुर लिगेंड, तो जब लिगेंड में दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे उसी को हम लोग कहते हैं द्विदंतु लिगेंड, और H2 या NH2CH2CH2NH2 भी कह सकते हैं। इसी का नाम होता है Ethane 1,2-diamine। और भाई दो कार्बन तो एथेन कहेंगे ना, और वन लिखेंगे क्योंकि वन पर जुड़ा है और एक टू पर एमिन जुड़ा है, तो 1,2-diamine। उसके बाद से एक होता है बहुदंतु लिगेंड, तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं कि जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं जैसे NCH2CH2NH2 है तो लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड कहलाता है। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ADTA, ADT का पूरा नाम एडिसिन एथिलीन, और उसके बाद से डाई एमीन, उसके बाद से टेट्रा, उसके बाद से एसीटेट, एक महत्वपूर्ण षटदंतुर लिगेंड है। ये दो नाइट्रोजन तथा चार ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा एक केंद्रीय धातु आयन से जोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है, पूछा जाता है किलत क्या है, तो कह सकते हैं कि जब एक दंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने दो या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से अबंध के लिए करते हैं तो वह किलेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिगेंड के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या क्या इसको बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ और आता है जिसका उभयदंती लिगेंड, तो इसमें दो या दो से अधिक आयन भाग लेते हैं तो उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए कह सकते हैं कि एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या उसमें आबंधित लिगेंडों के उन दत्ता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे आयनों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। माने जितने, जैसे आपको यहाँ पर कोई कह दे कि K4FeCN6, तो इस केंद्रीय परमाणु से चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ जितना जुड़ा है इसी को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। उसके बाद से समन्वय मंडल भी आता है, कोई पूछता है समन्वय मंडल किसे कहते हैं, तो केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों को गुण कोष्टक में या बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं। आयनीय समूह गुरु कोष्टक के बाहर लिखे जाते हैं तथा प्रति आयन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, ये देखिए ये K4 है, ये प्रति आयन है और इसके अंदर जितने लिखे गए हैं या फिर CN6, इसी को हम लोग कहते हैं समन्वय मंडल, यानी जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं तो उसको कहा जाता है समन्वय मंडल। एक होता है समन्वय बहुलक, तो देखिए केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं के दिक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुलक कहते हैं। इनमें अष्टफलकीय वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य है, उदाहरण CONH3+6 3 अष्टफलकीय, ठीक है। देखिए
संरचना भी आपको मैं बताता हूँ। यह अष्टफलकीय है, इसका जो सूत्र होगा वो होगा यम यल सिक्स और एक यम दिखा करके, यानी ये मेटल है यानी धातु है और इसके साथ पूरा ये लिगेंड जुड़ा हुआ है। चतुष्फलकीय एक यम है, इसके साथ चार यल जुड़े हुए हैं। यह भी वर्ग समतलीय एक यम है, चार लिगेंड जुड़े हैं। ये त्रिकोणीय है, यम है, इसके साथ भी चार लिगेंड, त्रिकोणीय पिरामिड है तो ये बता सकते हैं। उसके बाद से केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या भी आपसे पूछा जाता है, तो कह सकते हैं कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युगलों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उनकी आक्सीकरण संख्या कहते हैं। आक्सीकरण संख्या को उप संयोजक सत्ता के नाम में केंद्रीय परमाणु को जानते हैं। तो ये जो होता है आक्सीकरण संख्या भी इसको हम लोग कहते हैं। आगे अभी हम लोग पूरा निकालेंगे आक्सीकरण संख्या। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि CuCN6 के ऊपर -3, अगर निकालना होगा कि कापर की कितनी होगी तो कापर को आप x मान लेंगे, प्लस कर दीजिए, Cn का -1 होता है, -1 कर दीजिए और इसके नीचे 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, देखिए नीचे 4 है, बराबर आप -3 लिख सकते हैं। तो x बराबर -3 और +4 बराबर 1। तो इसीलिए देखिए कापर का आक्सीकरण संख्या ये कहा है तो रोमन में हम लोग 1 लिखेंगे। इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।